हेलो एवरीवन, दिस इज सूफिया। वेलकम बैक टू द सूफियाज बायोलॉजी। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अ बिहेवियर डैट अकर इन एन ऑर्गन आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल रिदम। तो बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का वैसा बिहेवियर जो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता हो या परफॉर्म होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल रिदम्स बोलेंगे। ओके, दीज एक्टिविटीज आर साइक्लिक इन नेचर। ये जो बायोलॉजिकल रिदम होते हैं वो क्या होते हैं? साइक्लिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्टन टाइम पे रिपीट करते रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकते हैं इसके? स्लीप वेक साइकिल, जैसे कि आज रात हमें नींद आई एंड कल नेक्स्ट, जैसे कल होगा फिर रात होगी तो फिर हमें नींद आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर रात होगी तो नींद आएगी। जैसे सुबह होके, जैसे आज सुबह हुई तो हमें हमारी आंखें खोली, कल सुबह होगी वैसे फिर हमारी आंखें खोलेगी, तो ये क्या होगा? जैसे ये एक सर्टन टाइम पे रिपीट होता रह रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं। जैसे माइग्रेशन, कुछ एनिमल अगर समर के वक्त माइग्रेशन शो कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अब नेक्स्ट समर आएगा तो उस टाइम फिर वापस से वो माइग्रेशन की जो अपना बिहेवियर है वो रिपीट करेंगे। इस तरह से एस्टिवेशन भी और हाइबरनेशन भी एक स्पेसिफिक टाइम के वक्त वो क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो ये सारा जो बिहेवियर जो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। तो फर्स्टली क्या है, फर्स्ट देख लेते हैं हम, पहले हम पढ़ते हैं सर्काडियन रिदम के बारे में। सरका क्या हो गया? सरका मीन्स अबाउट एंड डाइज मीन्स डे। तो वैसा एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का जो कि रिपीट हो अबाउट अ डे या फिर बोल सकते हैं 24 आवर के बाद, उसको उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? सर्काडियन रिदम बोलते हैं। सर्काडियन रिदम आर मोस्टली अफेक्टेड बाय लाइट एंड डार्कनेस। जो 24 आवर्स के साइकिल पे जो एक्टिविटी रिपीट हो रही है वो क्या होती है? जनरली लाइट और डार्कनेस से क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ रिदम्स आर मोस्ट स्टडीड एंड ऑब्जर्व इन एवरी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। इस टाइप का जो रिदम होता है, जो सर्काडियन रिदम है, वो किसमें देखा गया है? स्टडी एंड ऑब्जर्व इन एवरी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, इन सिंपलेस्ट फॉर्म द डेली साइकिल ऑफ एक्टिविटी एंड रेस्ट ऑफ द मोस्ट एनिमल्स कोरिलेट विद द लाइट एंड डार्क फेज। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलें तो डेली परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी या फिर रेस्ट जो मोस्ट ऑफ द एनिमल है वो क्या करते, कोरिलेट करते हैं किससे? लाइट से एंड डार्क फेज से। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे स्लीप वेक साइकिल है हमारा, तो क्या भी जैसे हमने बताया कि रात, आज हमें रात हुई तो नींद आई, फिर कल रात होगी तो फिर रात होते ही हमें नींद आएगी, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही चलेगा। सेम मॉर्निंग में भी अगर सुबह हो रही है तो हमारी आज आंख खोलेगी तो कल मॉर्निंग में भी हमारी आंखें खोलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं लाइट एंड डार्क फेज से क्या कर रहे हैं? कोरिलेट कर रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर भी, जैसे अराउंड 4:30 AM सुबह के 4:30 बजे क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर हमारा लोएस्ट होता है एंड शाम के 7 बजे क्या होता है? हाईएस्ट होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी क्या होता है? हाईएस्ट होता है किस वक्त? सुबह के 6 बजे, बट लो कब होता है? शाम के 6 बजे। एंड बीपी की अगर बात करें तो बीपी भी क्या होता है? 6:30 AM सुबह 6:30 बजे वक्त क्या होता है? शार्पली इंक्रीज करता है एंड शाम के वक्त क्या होता है? वो हाईएस्ट होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं लाइट एंड डार्क फेज से कोरिलेट कर रहे हैं हमारा। ओके, सर्काडियन में क्या होते हैं? कुछ एनिमल क्या होते हैं? डायरनल होते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ क्रेपिस्क्यूलर होते हैं। तो डायरनल में क्या होते हैं? डायरनल एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग दी लाइट डेज, एक्टिव ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। ओके, तो डायरनल एनिमल्स क्या होते हैं? वो दिन के वक्त क्या होते हैं? ये एनिमल एक्टिव होते हैं। जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं? डे के वक्त अपने एक्टिविटी को परफॉर्म या रिपीट करते हैं। ओके, नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग एट नाइट। ओके, जो नॉक्टर्नल एनिमल्स है वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं नाइट के वक्त, ये नाइट के वक्त अपना जो एक्टिविटी है रिपीट करते हैं। जैसे कि रात के बाद क्या हो गया, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, देन वो जब नेक्स्ट नाइट आएंगे तभी वो अपनी एक्टिविटी को वापस से परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? कॉकरोच, वोल्स, मोथ्स, फॉक्सेस एंड बैट्स। क्रेपिस्क्यूलर एनिमल्स आर एक्टिव एट
डाउन एंड डस्क। जब क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो एक्टिविटी को डस्क एंड डाउन के वक्त, यानी कि जो सुबह 4:30 बजे या फिर शाम में सनसेट के बाद जो जो नाइट से पहले, वो क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी को उस टाइम ही वो लोग परफॉर्म करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म। ओके, उसे क्या बोलते हैं, क्रेपस्क्यूलर। एग्जाम्पल्स में क्या, मस्क्यूटोज हैं, रैबिट्स हैं, बियर हैं एंड सम बैट स्पीसीज, ये सारे क्या होते हैं, क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स होते हैं। ओके, सर्कैडियन रिदम्स ऑफ एनिमल मे चेंज विद एज एंड सीजन। सर्कैडियन जो रिदम होता है वो क्या होता है, एनिमल्स में चेंज हो सकते हैं एज और सीजन सीजनली। ओके, जैसे अगर एग्जाम्पल देखते हैं, ह्यूमन स्लीपिंग साइकिल बिकम शॉर्टर विद एजिंग। ह्यूमन में क्या होता है, जैसे एज आने पे वो क्या होता है, जो स्लीपिंग पैटर्न होता है उनका चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम ओल्ड एज को देखेंगे तो उनका क्या है, जो स्लीपिंग का पीरियड है उनका क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। ओके, वो क्या होते हैं, लेट नाइट सोते हैं या फिर बहुत थोड़ी देर के लिए उन्हें रात में नींद आती है, तो ये सब चेंज हो सकते हैं एज होने पे। जो सर्कैडियन रिदम एक्टिविटी है ये चेंज हो सकता है। एंड मैन, अगर सीजन की बात करें तो मैनी टेम्परेट जोन बर्ड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर क्रेपस्क्यूलर ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग एंड समर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो टेम्परेट जोन बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लेट स्प्रिंग के वक्त और समर के वक्त क्या होते हैं, वो क्रेपस्क्यूलर बन जाते हैं। वो अपने एक्टिविटी क्या होते हैं, डस्क एंड डाउन के वक्त परफॉर्म करते हैं। बट क्या होते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर क्या होते हैं, वो दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। जैसे विंटर आती है तो वो क्या होते हैं कि डायुरिनल बन जाते हैं, वो क्या करते हैं दिन के वक्त एक्टिव हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल रिदम है सर्के एनुअल रिदम। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच रिपीट अबाउट अ ईयर और 365 डेज आर कॉल्ड अ सर्का एनुअल रिदम। वैसे एक्टिविटी एनिमल का जो कि 365 डेज या फिर अबाउट अ ईयर पे रिपीट हो, परफॉर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्का एनुअल रिदम बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, रिप्रोडक्शन इन सीजनली ब्रीडिंग एनिमल्स, जो सीजनली एक बार ब्रीड करते हैं। ओके, तो वैसे एनिमल को क्या किस में आते हैं, वो होते हैं सिर के एनुअल रिदम में। ओके, माइग्रेशन इन बर्ड एंड फिश, जैसे कुछ जो बर्ड्स एंड फिश हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेशन जो अपना दिखाते हैं साल में एक ही बार परफॉर्म करते हैं। हाइबरनेशन भी और एस्टिवेशन भी, तो ये क्या होते हैं, एनुअली एक बार परफॉर्म करते जो एनिमल या जो अपने इस बिहेवियर को साल में एक ही बार रिपीट करते हैं वो क्या कहते हैं, उसे सर्का एनुअल रिदम बोलते हैं। ओके, अब हम तीसरा देख लेते हैं बायोलॉजिकल रिदम में, तीसरा है सर्का ल्यूनर रिदम्स। तो रिदमिक एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कोरेस्पोंड्स विद ल्यूनर साइकिल और साइक्लिक फेजेस ऑफ मून आर कॉल्ड अस सर्का ल्यूनर रिदम्स। ऑर्गेनिम्स का वैसा एक्टिविटी जो ल्यूनर के साइकिल के साथ क्रोस्पॉन्ड करे या फिर साइक्लिक फेजेस ऑफ जो मून है उसके साथ क्रोस्पॉन्ड करे, उसे क्या बोलते हैं, सर्का ल्यूनर रिदम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में कि हमारे से मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन, ये भी क्या, जैसे कि मून क्या करता है 28 डेज पे अपना साइकिल परफॉर्म करता है, रिपीट करते हैं। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं उसके साथ रिस्पॉन्ड करके अपना वैसे ही जो रिपीट करते हैं अपना जो बिहेवियर है। ओके, चलो, और कुछ क्या करते हैं जो साइक्लिक फेजेस ऑफ मून, जैसे न्यू मून या फिर नो मून के वक्त क्या करते हैं, अपने एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन, ये भी क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 28 या 29 डेज में इनका जो ये बिहेवियर है ये रिपीट होता है। सम रिदमिक एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द फॉर्टनाइट साइकिल ऑफ द स्प्रिंग टाइड। कुछ जो एनिमल का रिदमिक एक्टिविटी है वो क्या होता है, आधी रात में स्प्रिंग टाइड के वक्त, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब न्यू मून या फुल मून के वक्त के जस्ट बाद जो हाई टाइड आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। तो इस टाइम कुछ एनिमल क्या करते हैं, अपना जो बिहेवियर को जो एक्टिविटी है उसे रिपीट करते हैं। और कुछ क्या करते हैं, नीप टाइड जो कि सेकेंड या फोर्थ क्वार्टर ऑफ द मून होता है उसके जस्ट बाद जो लो टाइड आते हैं उस टाइम परफॉर्म करते हैं। ये जनरली क्या होता है, 14.5 डेज के बाद ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो रिदमिक एक्टिविटीज को रिपीट करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में सी हेयर,
shows a periodicity of about 14.5 days. जो सी हेयर है उनका क्या जो एग ले करते हैं वो क्या करते हैं 14.5 डेज के बाद वो फिर वो वापस से क्या करते हैं एग ले करते हैं, यानी कि मंथ में ये टू टाइम्स एग ले करते हैं. ओके नेक्स्ट है पेरिविंकल आल्सो कम आउट फ्रॉम आउट ऑफ द बरो ऑन द सी शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड. जो फुल मून या फिर न्यू मून के बाद जो हाई टाइड आता है इसके बाद उस टाइम ये क्या करते हैं जो पेरिविंकल है वो अपने बरो से बाहर आते हैं सी शोर पर. ओके एंड अब हम फोर्थ देख लेते क्या सिरका टाइडल रिदम्स. ओके biological rhythms that synchronized with low and high tides in the sea are called as circa tidal rhythms. वैसा animal का biological rhythm जो कि क्या करे synchronized करे low and high tides के वक्त उसे क्या बोलते हैं circa tidal rhythms. okay example में है Groenian fish spawn precisely at high tides. okay जैसे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल हमारा पॉलीशेते वॉर्म्स दैट लीव्स इन द बरोज इन इंटर टाइडल जोन एंड शो अ वर्टिकल मूवमेंट एज हाई टाइड अप्रोच. ओके एंड थर्ड है हमारे जैसे बाइवेल्व्स इंक्रीज देयर फिल्ट्रेशन रेट व्हेन देयर हाई टाइड ब्रिंग्स मोर फूड. ओके तो बाइवेल्व्स क्या कहते हैं अपने फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर लेते हैं जब क्या होता है टाइड की वजह से जो फूड आता है उन पे. तो ये क्या कहते हैं मोस्टली टाइड्स पे डिपेंड होते हैं कि वो फूड लेके आता है तब वो क्या कहते हैं अपना फिल्ट्रेशन रेट हाई कर लेते हैं और उस टाइम ही वो क्या कहते हैं अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. तो ये जब टाइड आएगा तभी इसको रिपीट करते हैं. ओके तो ये जो सिरका टाइडल है एंड सिरका ल्यूनर है इनमें क्या डिफरेंस है सिरका ल्यूनर में जो रिपीट हो रहा था उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो फुल मून और न्यू मून के वक्त या फिर जो साइक्लिक फेजेस हैं उस टाइम वो मून के पर डिपेंड थे. पर सिरका टाइडल में क्या हो रहा है कि ये 12.4 या 24.8 आवर्स में रिपीट हो रहा है, यानी कि ये दिन में जो टाइड्स आते हैं लो और हाई टाइड वो इस टाइम परफॉर्म करते हैं. ये क्या करते हैं दिन में दो बार परफॉर्म करते हैं. बट सिरका ल्यूनर में क्या था कि वो अमावस्या है या पूर्णिमा है उस टाइम वो अपने जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको रिपीट कर रहे थे. ओके जैसे मैनिंग गैस्ट्रोपोड्स एंड क्रस्टेशियन लाइक शोर क्रैब बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग लो टाइड टू कलेक्ट देयर फूड ऑन द एक्सपोज शोर. और जो गैस्ट्रोपोड्स है या क्रस्टेशियन है जैसे शोर क्रैब है वो क्या करते हैं एक्टिव हो जाते हैं जब लो टाइड के वक्त जो फूड कलेक्ट करने के लिए क्या होते हैं वो उस टाइम एक्टिव हो जाते हैं. ओके ये जो सारा एक्टिविटी एक सर्टन टाइम पर रिपीट हो रहा है तो कैसे हो रहा है क्योंकि हम कुछ भी अपने काम को रिपीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है क्लॉक होते हैं मैकेनिकल क्लॉक होते हैं. हम उस टाइम पे देखकर हम अकॉर्डिंग टू टाइम हम क्या करते हैं अपने काम को उस वक्त पे करते हैं. बट एनिमल्स के पास तो ऐसा कुछ क्लॉक होता नहीं जो वो देख कर अपना काम को रिपीट करें तो क्या करते हैं उनमें कैसे होता है. ओके तो वो हम देखते हैं. बायोलॉजिकल रिदम आर रेगुलेट बाई जो उनका बायोलॉजिकल रिदम होता है एनिमल का वो रेगुलेट होते हैं दो चीज़ से. एक तो हमारा इंडोजेनस है दूसरा क्या है एक्सोजेनस है. तो इंडोजेनस क्या है इंडोजेनस पेस मेकर विच आर बॉडीज इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक. इंडोजेनस क्या है ये क्या होता है एनिमल के अंदर ही एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं. ये इन्हें बताता है एनिमल्स को कि हाँ इस टाइम पे आपको अपने काम को रिपीट करना. ओके एंड दूसरा क्या है एक्सोजेनस जिटरबग विच आर एक्सटर्नल क्यूज इंक्लूडिंग लाइट दैट हेल्प्स टू रेगुलेट द इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक. दूसरा क्या है एक्सोजेनस जो हमारा है तो उसके आता जैसे लाइट है तो क्या कर रहा है वो बता रहा है कि ये क्या करता है जो एक्सोजेनस है वो इंडोजेनस दोनों ही सिंक्रोनाइज करके बायोलॉजिकल रिदम को परफॉर्म होने में हेल्प करता है. जैसे कि अगर हमें सुबह हमारा आंख खुल रहा है तो कैसे खुल रही है हमारी आंख तो लाइट कहीं ना कहीं जो है एक्सटर्नल क्यूज है वो क्या कर रहा है हमारे आंखों पे पड़ रहा है जिससे हमें क्या हो रहा है हमारे इंटरनल जो बायोलॉजिकल क्लॉक बताई तो वो बताए यस दिस इज टाइम टू वेक अप. तो ये से क्या हो रहा है कि हमें पता चलता है या सॉरी एनिमल्स क्या करते हैं इन दोनों को सिंक्रोनाइज करके वो क्या करते हैं अपने जो उनका जो रिदमिक एक्टिविटी है वो एक सर्टन टाइम पे रिपीट कर लेते हैं. ओके अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है द इंटरनल टाइम कीपिंग डिवाइस नॉन एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. ये क्या है इंटरनल टाइम कीपिंग डिवाइस है. ओके इट इन्वॉल्व्स अ सेल्फ सस्टेनिंग टाइम मैकेनिज्म. ओके इट इज अ इननेट और इनहेरिटेड. ये क्या होते हैं
जो इननेट होते हैं, ये बाय बर्थ जो एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये इनबिल्ट होता है, ओके। और ये क्या होता है, इनहेरिटेड होते हैं। ये क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, ये इनहेरिटेड होता रहेगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और नेक्स्ट जनरेशन में। लाइक अ मैकेनिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक मे रन फास्ट और स्लो, बट दे आर रीसेट बाय एनवायरमेंट क्यूज कॉल्ड इन ट्रेनर्स। जैसे कि हमारा मैकेनिकल क्लॉक क्या होता है, कभी कभी फास्ट और स्लो हो जाता है, उस तरीके से क्या होता है, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होते वो भी स्लो हो जाते हैं, पर ये क्या होता है, एक्सटर्नल क्यूज के द्वारा ये वापस से रीसेट किया जा सकता है, ओके। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।